देश भगत यादगार सोसायटी वालों कार्ल मार्क्स के 204वें जन्म दिहाड़े मौके देश भगत यादगार हाल विखे कार्ल मार्क्स की सोच उत्ते विचार चर्चा की गई, जिस विच मार्क्सवादी सोच रखने वाले लोगों ने शमूलियत की है। इस विचार चर्चा विच मुख बुलारे वजों कामरेड जगरूप अते डॉक्टर परमिंदर ने शिरकत की है। डॉक्टर परमिंदर ने अपने संबोधन विच मार्क्स की सोच बारे विस्थार सहित चानना पाया। कामरेड जगरूप का कहना है कि मार्क्स नूं अपनाउण तों पहलां समझण दी लोड़ है। अपने तौर ते मार्क्स ने अपनी जिहड़ी विज्ञान है, अपनी थीरी है, उस नूं डिवेलप करना, उहदी विकास करना उसने शुरू किया। एक पासा ए सी, दूसरा पास इस करके जेड़ा हैगल ने आले दुआले ग्रुप सीगा जेड़ा उस तो अगे इस दुनिया बारे समझने की कोशिश कर लग्या जर्मनी दे विच, उस नूं खब्बे पक्षी हेगेलियंस कहा गया, लैफ्ट हेगेलियंस, जिहदा मार्क्स के एंगल्स दोने हिस्सा सन। तो इन्हों का एक हिस्सा फ्यूरबाक सी जेड़ा होर फिलोसफर सी, जिहड़ा वो फिलोसफर सीगा उन्हें कहा भी दुनिया तो भाई असली है, पर उन्हें कहा वो नाल ये कह रहा है क्योंकि वो जहा है नहीं जो जो मार्क्स बढ़िया बाद विच कि दुनिया अगर पदार्थ वाली हैगी है तो कहता भी इन समझदा कौन है, वो कहना समझदा है मनुख का मन। सो मनुख का मन वो वास्ते एक वक्री हस्ती बन गया कि मैं अपने दबाव ना अपने मन ना दुनिया नूं बाहरों बैठ के समझ दुनिया असली है, परमात्मा कोई नहीं है, परमात्मा सफर खत्म करता, लेकिन मनुखी मन जिहड़ा सीगा उहदे वास्ते फिर भी एक वक्री हस्ती रहा। कि असीं केवल मार्क्स नूं जदों याद करते हैं, मार्क्स नाल जोड़ के मार्क्स एंगल्स लैनण की गल करते हैं, जे गांह जाना स्टालिन की माओ की होचीमेन की जिन्हां की मर्जी है जी जे वक् वक् देशों के आगू है उन्होंने गल करते हैं, पर जे मार्क्सवाद की गल करनी है तो सब तो पहला ये चर्चा करनी लाजमी है कि मार्क्सवाद है कि जे मार्क्सवाद है कि ये बारे जानकारी नहीं तो मार्क्स नूं लागू करन दीआं, मार्क्स ने आ कह दिता बई गलत गलों भी मार्क्स के नाम जोड़ देंगे। आप मैं थोड़ा जहा कहना चाहना भी वो एक वकील का पुत सी, प्यो ने जो उन्हें स्कूल की पढ़ाई पूरी की चाहता सी मेरा पुत वकील बन जाए, पहला बोन यूनिवर्सिटी दाखिल होया सी ते फिर वो अगले साल बर्लिन यूनिवर्सिटी चला गया सी। बर्लिन यूनिवर्सिटी एक प्रोफेसर रिटायर होया सी उहदे जाण तों पहला, 31 तो वो मौत हो गई सी 1831 ईगल की मार्क्स के मगरों गया है उस यूनिवर्सिटी, पर उस यूनिवर्सिटी हीगल का नाम चलता सी, अंग्रेजी वाले हेगल कह देंगे है, असी पंजाबी हीगल शब्द के लिए सारिया किताबों के तर्जमे साढ़े वो वरत्या गया। मैं हीगल भी कह रहा हेगल कह रहा एक गल होगी इन समझने की कोशिश करो, तो हीगल का प्रभाव है जो यूनिवर्सिटी से हर प्रोफेसर से, जो हीगल हीगल होंगी है तो मार्क्स आपके बाप को एक चिट्ठी लिखता है कि जिहड़ियां गल्लां दे जवाब मैनू चाहिए है जिहड़ी पढ़ाई मैं कर रहा मैनू इहदे विचों ये नहीं मिलते, इस करके मैनू इंज लगता है कि मैनू फलसफा पढ़ना पएगा। तो क्योंकि उसकी मंगनी हो गई सी तो जिहड़े कुड़ी दे परिवार वाले ने कहा भी ये फिलासफर बनने फिरदा, फिलासफर का हाल सारे का आप जानते हाँ कि जहर पीना भी पैंदा। जे आपां सुकरात की गल करते हैं दूजे नाल जो कुछ है फिलासफर नाल होया तो साडी इन्नी सोहनी कुड़ी इहनूं मंगी है तो भुखी मार दूगा, इहनूं कहो ये कम ना करे। चलो मैं विवाद च नहीं जाना, सिर्फ ये कहिंदे हाँ कि आखिर मार्क्स ने पी एच डी है जी फिलोसफी विच कीती, डॉक्टर मार्क्स आओ कई लोग कला मार्क्स करके समझते हैं
ਉਹਨੇ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਲੋਸਫੀ ਵਿੱਚ ਐਪੀਕਿਊਰੀਅਸ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਥੀਸਿਸ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਆਓ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਰੀ ਡਰ ਕੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਝੇ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕੱਚ ਆਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੋਰੀ ਆਓ, ਇੱਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੇ, ਸਿਰ ਜੀਜੇ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ ਚਾਰੇ ਅਰਦਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਫਲਸਫਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਲੇਰੀ ਮੰਗਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਰੀ ਮਾਇੰਡ ਮੰਗਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਲਾਸਫਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।